सेंटर जो यहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मुगल मैदान। ये मुगल मैदान जो ये तहसील है, यहाँ ब्लॉक है जो 15 पंचायतों पे मुश्तमिल है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि 2008 में ये एक आर्डर निकाला गया था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, चूँकि मुगल मैदान जो है यहाँ पे एक डॉक्टर बैठेगा, उसका आर्डर भी निकला, वो सीएमओ के पास बीएमओ के पास उसकी कॉपी भी है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल स्टाफ जो है वो 2 नर्सों पे मुश्तमिल है, 2 नर्सें यहाँ पे आती है। यहाँ के लोगों को, चाहे हमारा जो जितना भी एरिया है ब्लॉक मुगल मैदान का जो 15 पंचायतें पड़ती है, उनको या तो छात्रों का रुख करना पड़ता है या तो किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है। बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक इस मुगल मैदान सेंटर में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। यहाँ थोड़ी सी मरहम पट्टी के लिए किश्तवाड़ जाना पड़ता है, किसी की डिलीवरी होती है किश्तवाड़ जाना पड़ता है, किसी भी कोई जो है हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हादसा हो जाए तो हमें किश्तवाड़ जाना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो आप आज ग्राउंड लेवल से ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की पोल, हेल्थ डिपार्टमेंट की पोल जो खुल रही है आपके सामने, कि यहाँ टोटल 2 नर्सें हैं जो सिर्फ जो यहाँ पे वो कार्ड बनाते हैं, बाकी कोई काम यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है डीसी साहब किश्तवाड़ से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से, कि इस पे ऊपर कार्रवाई की जाए कि यहाँ पे आज तक डॉक्टर क्यों नहीं है। आखिरकार इन 15 पंचायतों ने कौन सा गुनाह किया था कि यहाँ पे जो है डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह यह है कि पहले जो दौर के अंदर जब यहाँ पे पहले डॉक्टर भी बैठता था, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का जो है दूर होती थी। आज सिगधी चाहे हमारा ले लो, ताबूत ले लो, हमारा मुगल मैदान ले लो, होड़ना द्रुबी ले लो, कुछाल ले लो, इसी तरह सिंहपुरा इंदरवाल हमारा पासरकूट का एरिया जो है टोटल जो है हमारे पास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने डॉक्टर्स अवेलेबल किए हैं, लोगों को हम ग्राउंड लेवल पर सुविधा फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी एलजी साहब से और डीसी साहब से और सीएमओ किश्तवाड़ से कि इनके ऊपर गौर किया जाए, एक टीम बनाई जाए, इसकी विजिलेंस की जाए कि यहाँ पे अगर आखिरकार कौन सा गुनाह इन लोगों ने किया था कि आप डॉक्टर नहीं देते हो, आप पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं करते हो। इसकी एक कमीशन बिठाई जाए, इसके ऊपर एक विजिलेंस की जाए कि जो यहाँ पे किसी बाथरूम में जो सेंटर आपके हैं, कहीं पे बाथरूम आपका चालू नहीं है, कहीं पर आपका पिट नहीं चालू है, तो आखिरकार ये कौन सा गुनाह यहाँ के लोगों ने किया था, ये इतना घपला क्यों हो रहा है। तो यही मैं मैसेज आज देना चाहता हूँ तमाम सरपंच हजरात को, बीडीसी हजरात को, डीडीसी हजरात को गुजारिश करता हूँ कि आपको लोगों ने बनाया है, आपको लोगों ने चुना है, लेकिन इसलिए कि लोगों को सुविधा मिले, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिले, लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को बिजली मिले, लोगों को पानी मिले, इसीलिए लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आपको नुमाइंदा बनाया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों की सुविधा जो है ग्राउंड लेवल पर जो भी है वो उनको पहुँचाई जाए। शुक्रिया।